औद्योगिक नगरी पीथमपुर में 20 लाख की बड़ी चोरी का मात्र 24 घंटे के भीतर ही पुलिस ने खुलासा किया। पुलिस ने चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही लाखों रुपए का चोरी किया सामान भी बरामद किया है। पीथमपुर CSP तरुणेंद्र सिंह बघेल ने खुलासा करते हुए बताया कि पीथमपुर के सेक्टर 1 स्थित आइसर वाहन और एस्कार्ट वाहनों के इंजन में लगने वाले केम साफ्ट बनाने वाली PS कारपोरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के धन्नड़ क्षेत्र में गोडाउन में रखे 1000 से अधिक केम साफ्ट, जिनकी कुल कीमत 20 लाख रुपए थी, कोई अज्ञात बदमाश चोर कर ले गया था, जिसको लेकर PS कारपोरेट इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के प्रतिनिधि राजेश वर्मा ने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी। पूरे मामले में धार पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के निर्देशन में CSP पीथमपुर तरुणेंद्र सिंह बघेल ने इसे चुनौती के रूप में लिया और टीमें बनाकर चोरों का सुराग लगाने में जुट गए। सूचना के आधार पर पुलिस ने टाटा चौराहा पीथमपुर पर एक संदिग्ध एक्टिवा गाड़ी में बोरियों में भरा भारी सामान ले जाते हुए रोका और जब पूछताछ कर जांच की गई तो कंपनी में चोरी किया गया सामान पुलिस ने बरामद किया। साथ ही पूछताछ में और भी कई खुलासे होने की उम्मीद की जा रही है। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। करीब 20 लाख रुपए का क्या है पूरा मामला? सेक्टर 1 में स्थित PS कंपोनेंट प्राइवेट लिमिटेड है, इसमें केम सॉफ्ट चोरी हुए थे। 11 से 13 की दरमियानी रात और दिन में ये चोरी हुए थे। केम साफ्ट के कर्मचारी के द्वारा थाना सेक्टर 1 में 457-380 भारतीय दंड विधान का प्रकरण पंजीबद्ध कराया गया था। और चूँकि केम साफ्ट 20 लाख रुपए के थे, ये प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए धार पुलिस अधीक्षक श्री आदित्य प्रताप सिंह ने एक टीम का गठन किया था, जिसमें चंद्रमान सिंह चढ़ार और उनका स्टाफ शामिल था। और इसको बड़े गंभीरता से लेते हुए 24 घंटे के अंदर इस चोरी को पर्दाफाश किया गया, जिसमें 3 कर्मचारी गिरफ्तार हुए हैं, जो फैजान, अमित और एक तीसरा कर्मचारी है विनोद। इन तीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनसे 774 नग केम साफ्ट बरामद कर लिया गया है और बाकी के केम साफ्ट 2 स्कैंडर आरोपी हैं, जिनसे बरामद कर लिया जाएगा। वो नाम मालूम पड़ गया है और उनके लिए टीम गई हुई है। जानकारी मिली थी सर कि इसमें जो है कंपनी का सुरक्षा गार्ड सम्मिलित है। सुरक्षा गार्ड इसमें गिरफ्तार कर लिया गया है। विनोद जो है सुरक्षा गार्ड है, उसको गिरफ्तार कर लिया गया। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।